कि हमारे सर के साथ अन्याय हुआ है, जो कि हम सब स्टूडेंट्स को पता है कि बोलो करो Why you are coming here? We want to know that is this suicide or murder for this we had come here. What is your appeal? We want justice. आप अपने पाँव बांध के सुसाइड करोगे क्या? आप कैसे चेयर के ऊपर उठोगे? आप कैसे टेबल के ऊपर उठोगे? हमें जस्टिस चाहिए, जैसे भी चाहिए हमें जस्टिस देना पड़ेगा। आपको किसी के ऊपर शक है? शक क्या सर, एग्जाम सेल पे क्यों मरे? सर एग्जाम सेल के इंचार्ज है, जबकि दरवाजा भी टूटा हुआ था ना अंदर। एक अकेले टीचर को बुलाया जाता है, बाकी कोई बंदा नहीं होता स्कूल में। और अगर ऐसा कुछ होता है, कांच टूटते रूम के अंदर, किसी दूसरे बंदे को सुना नहीं, गेटमैन आ गया, कोई बंदा नहीं था, अचानक सब एक साथ कैसे गायब हो जाते हैं? और सर को क्यों अकेले बुलाया जाता है? रात को 11 बजे तक सर फोन में थे, सुबह 7 बजे सर को फोन करके बुलाया जाता है, क्यों? बंदा अगर उसकी ना ही फ्लैग होस्टिंग हुआ, ना ही कुछ, किस कारण उनको बुलाया जा रहा है? प्रिंसिपल का नाम क्या है? संजय कुमार। आगे क्या करना है आपका? लेकिन वो अकेला नहीं आया, वो पहले से बहुत बुरा आदमी था। पहले से हम लोग को पूरा मतलब 2017 से बहुत बुरा आदमी था वो एक षड्यंत्र है। हम लोग को जस्टिस चाहिए। वो क्यों नहीं आया? ना कि सीओ आया, ना डीआईजी आया, कोई नहीं आया, सिर्फ हम लोग गिने चुने सर टीचर लोग अब देख पाएंगे। वो क्यों नहीं आया? उसको आना चाहिए पहले। वो क्यों नहीं आया? वो लोग क्यों आएंगे ना? वो लोग डरे हुए हैं। वो लोग क्यों आएंगे? डायरेक्ट कौन नाम है? एक लोग क्यों आएंगे? वो लोग क्यों डरे हुए हैं? घर चलता था, क्यों आएंगे लोगों के ऊपर? एक लोग डरे हुए, उन लोगों को पता है घर चलता था, हम लोग छुपे रहते हैं। बस हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को भरोसा है पुलिस अपना काम करे और किसी के दबाव में आके वो काम बंद ना करे, नहीं तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बस थैंक यू। पीछे बैठे हुए सर ऊपर लटके हुए होते, और मैं टीचर्स का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2 टीचर्स हो सकते हैं इसमें, हमारा प्रिंसिपल भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट प्रिंसिपल इसमें हो सकता है और 2 टीचर्स हो सकते हैं, बिकॉज मैं जिन टीचर्स के पास ट्यूशन पढ़ता था वो दोनों टीचर हर समय मतलब हर टॉपिक में पंकज सर का बात उठाती, सो मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो टीचर्स हो सकते हैं, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। प्रिंसिपल का नाम क्या है? संजय कुमार। सर का जब डेथ है उसके बाद प्रिंसिपल ने कोई स्टेटमेंट दिया था? प्रिंसिपल आया ही तो नहीं था। सर को 7 बजे कॉल करके स्कूल में बुलाया, जल्दी आओ, बात हुआ था आई थिंक 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग होता है, हमारे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग नहीं हुआ उस दिन, हर स्कूल में हुआ त्रिपुरा का, हमारे स्कूल में नहीं हुआ, उल्टा हमारे स्कूल में एग्जाम हॉल में हमारे सर का डेड बॉडी मिला। रीजन चाहिए क्यों, पहले तो फ्लैग होस्टिंग क्यों नहीं हुआ, फिर सर का डेड बॉडी हमें क्यों मिलता है उधर? किसने फोन करके बुलाया जाता है सर को? वो तो नहीं पता ना सर, मैंने कॉल किया सर, सर के बारे में मैंने सुना, फोन में कॉल किया, सर का फोन स्विच ऑफ है, तब शायद पुलिस ने फोन ले लिया था, मतलब अपने कस्टडी में ले लिया था, तब मुझे स्विच ऑफ मिला, तो हो सकता है ना फोन में कॉल में होगा, किसने कॉल किया वही तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, कौन कॉल किया, कौन वो है। प्रिंसिपल
छठ के बेटे का मार्क्स बढ़ाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था और उसी के कारण से ये मत हुआ आप हमें शक तो उसी में है और प्रिंसिपल सर का बेटा उनको बोर्ड में 99% आया है जबकि वो इतना अच्छा स्टूडेंट है भी नहीं और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसको हमेशा आते थे ऐसे 98-99% उन लोगों को 88 या 90% ऐसा मार्क्स आए ऐसा क्यों हुआ पंकज सर एग्जाम सेल के हेड थे कभी जो कोविड के चलते इस बार जो एग्जाम हुआ नहीं है बोर्ड का वो जो मार्क्स भेजा गया स्कूल से उसका पूरा मतलब पूरा काम पंकज सर ने संभाला तो उन्हीं का मर्डर हुआ है और वो भी एग्जाम सेल के अंदर ही क्यों और अगर ये वो मर्डर भी नहीं है तो सुइसाइड अगर उन्होंने किया होगा तो क्यों किया होगा कोई अगर सुइसाइड करता है तो वो ऐसे करता है अब यही जानना है कि हुआ क्या था एक्चुअली आप लोग जो इतने तरह से स्टूडेंट है कहाँ का है आप लोग हम सभी हमें जो है सभी आश्रम रेफरेंस के ही है थैंक यू ठीक है उसको कैसे 99.8 मिल जाता है अचानक से और जो लड़का हमेशा अच्छा करता है उसका अचानक नीचे चला जाता है कोई तो गड़बड़ है ना इस चीज में और सर थे एग्जाम सेंटर के हेड सर मार्क्स का पूरा देखते थे ऑब्वियसली सर को प्रेशराइज किया गया इवन सर 3 दिन से प्रेशर में थे उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं प्रेशर में हूँ उनके फैमिली ने कहा हाँ मैं प्रेशर में हूँ तो फिर क्या यही तो प्रॉब्लम है ना पहले तो स्कूल ने प्रेशर क्रिएट किया फिर कुछ ना कुछ हुआ तो हमें जानना है क्या हुआ सर के साथ जो प्रिंसिपल का बेटी को मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में उसका हमें डाउट है हम श्योर नहीं है हमें डाउट है अभी हमें जानना है बस क्या हुआ हमें जस्टिफिकेशन चाहिए खुद का प्रोटेक्शन करने की कोशिश की ना एग्जाम सेल के अंदर जो सामान थे वो भी बिक रहे पड़े थे तो बंदा वो सुसाइड करने के पहले पागल हो गया कि घर के अंदर की सारी चीजें तोड़ के सुसाइड करेगा क्या वो उनको मिला ना 65% 70% बाकी उनके बेटे को कैसे 99.8 मिलता है वही शायद हमें पता नहीं सर के साथ क्या हुआ क्या नहीं क्योंकि हम थे नहीं उतर हम इसी को वही जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सही ढंग से उसमें किसी का हाथ ना हो हम वही चाहते हैं हम सर के लिए जस्टिस और हम यूथ हैं और हम सारे यूथ को बोलना चाहते हैं कि कोई हमारे आवाज को दबा नहीं सकता है हाउस द जॉब हाउस द जॉब हाउस द जॉब वी वांट वी वांट वी वांट थैंक यू वी ऑल लव यू सर जस्टिस के लिए क्या हुआ था उनके साथ क्या बोलेंगे उनका मर्डर हुआ है जो कि सुसाइड बताया जा रहा है लेकिन वो बंदा अपना पैर बांध के अपने गले में 30-40 किलो का वेट लेके कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है जो बताया जा रहा है वो उसने सुसाइड किया वो सुसाइड नहीं कर सकता है उसके इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं क्या हुआ था कि देखिए ये किसी का भाई है हाँ मेरा भी 31 साल का एक भाई है तो ये सर के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ बहुत गलत जो हुआ है बहुत गलत हुआ है एक साल पहले सर का पिताजी का देहांत हो गया था ठीक है कैंसर से वो अकेला घर चलाता था उसको 15 अगस्त में उसको अकेला बुलाया गया 8 बजे किसी ने बुलाया वो पता नहीं है किसने बुलाया है 8 बजे जहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था ना टीचर था ना कुछ प्रोग्राम था आश्रम में सर को सिर्फ अकेला सिर्फ बुलाया गया सर को तो सर क्लास 10 का मैं एक स्टूडेंट हूँ आश्रम का तो सर को जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ठीक है सर
सर क्लास 10 का एग्जाम इंचार्ज था, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी मिला है, जो हम लोग का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का बेटा जो क्लास 8 में 9 में 60% 50% 40% मिलता था, क्लास 10 में उसको 99.9% मिला। कैसे? दबाव में आके सर को दबाव करता था कि प्रिंसिपल का लड़के को पास कर दिया जाए, मार्क्स बढ़ा दी जाए। तो क्यों उस प्रेशर में आके सर ने कोई सुसाइड नहीं किया है? जितना मुझे पता है कि हम लोग इतना भी एडुकेटेड है, सर का पैर पूरा बंधा हुआ था, इधर में वेट था 50 kg, अप्रोक्स 50 kg वेट था फाइल्स का, और सर पूरा ऐसे थे। और अगर ये सुसाइड होता भी, देन सर सर অনেক ভালো ছিল, অনেক পজিটিভ ছিল, স্যার সুইসাইডের মতন কাজটা করতে পারবে না। তো আমরা জানতে চাই স্যারের সাথে কি হয়েছে, এটা কি ইন্টেনশনালি ছিল নাকি এটা কি ছিল, আমরা সেটাই জানতে চাই এখানে। তাই আমরা এখানে জমা হয়েছি সবাই মিলে। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो सही ढंग से हो, उसमें कोई हाथ किसी का ना हो, सर के साथ जो भी हुआ है सच सच सबके सामने आए, क्योंकि हमारे सर ऐसे नहीं थे, वो एक ऑनेस्ट एक हम्बल पर्सन थे जो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। उनकी अपनी फैमिली है, वो इतना अटैच थे सारे स्टूडेंट के साथ, वो इतना फ्री थे, वो कभी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। आप लोग तो स्टूडेंट है, तो उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ क्या? क्या है? देखिए जिस हालत में सर की बॉडी मिली है वो सुसाइड जैसा लगता ही नहीं है। पैर बांधे हुए थे, उनका पैर जमीन पे टच हो रहा था, और उनके गले में 30 से 40 किलो का वजन उनके गले में टांग दिया गया था। कोई कैसे ऐसे सुसाइड कर सकता है? फॉर्म बंदा ऐसे सुसाइड करते हैं इतना, मतलब यहाँ पे जस्ट अपने भाई के शांति के लिए, और स्कूल के बच्चों ने सपोर्ट किया, या बोलिए स्कूल के बच्चे हमें खींच के लाए कि सर के सपोर्ट के लिए जस्ट हम एक कैंडल मार्च निकालते हैं सर के रिस्पेक्ट के लिए, उनके इंसाफ के लिए, ताकि उनको इंसाफ मिले। क्या लगता है? क्या लगता है वो तो पता नहीं, बस हम कोशिश कर रहे हैं शायद हमारी जंग आसान हो जाए अगर आप सबका साथ मिले, तो शायद आप लोग साथ दें, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप लोग भी आम इंसान हैं, और आम इंसान में बहुत ताकत होती है, अगर हम सब मिल जाए बड़ी से बड़ी जंग हम जीत लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ये जंग जीते, उसको जस्टिस मिले, जिसके वजह से उसका ये हाल हुआ है वो चीज़ हमारे सामने आए, उसको सजा मिले, ताकि कल को मेरे भाई की तरह किसी का भी बच्चे के साथ ऐसा हाल ना हो, कोई दूसरा टीचर वहाँ पे बन के इस तरह से बलि का बकरा ना बने बड़े लोगों का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आम लोग हैं, आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग सब साथ होकर के इस जंग में मेरी साथ दीजिए, ताकि हम इस जंग को जीत सकें। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका भाई का? पंकज कुमार शाहू, असम रेफरल स्कूल का वो टीचर था, इकोनॉमिक्स टीचर था, और बच्चों की भीड़ आपको बता सकता है वो कैसा टीचर था, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या लगता है आपको, मतलब प्रशासन की ओर के और से अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिली है? कोशिश हम कर रहे हैं, उम्मीद है, आशा भी है कि प्रशासन भी हमारी हेल्प करेगी, सब हेल्प करेगी, वो हमारी झूठ पे हमेशा सच का जीत होता है, तो वो सच के पुजारी वही लोग हैं, वो लोग जरूर हमारी हेल्प करेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। এইখানে জানতে চাই আসাম রাইফেলসের যে টিচার পঙ্কজ সাহু, আমরার স্যার টাইনের সঙ্গে কি হয়েছে? 15ই আগস্টের দুপুর 2টার সময় আমরার কাছে খবর আইছে তার আগে সুইসাইড করছে, তারপর একটু পরে জানতে পারি যে না এটা সুইসাইড না, এটা নাকি মানে এটা যা আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয়েছে এটা সুইসাইড হয়েছে, তাইনের পা বাঁধা আসলো, তাইনের গলায় তাইনের তাইনের শিখ ধর্ম নিছিলেন, তাইনের পাগড়ি করতেন, তাইনের পাগড়ি খুলে তাইনের গলার মধ্যে 30 kg ওজনের মতো বই তাইনের গলায় ঢুকাই দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সুইসাইড করে তাহলে কীভাবে সুইসাইড করবো? কেউ তাইনের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে আমরা এটা জানতেই এখানে আইসি আছি। আপনার কী সন্দেহ আছে, কী কী মনে হতেছে? সন্দেহ বলতে এখন আমরা যতটুকু শুনছি যে উপর মহল থেকে স্যারের উপর নাকি খুব প্রেশার আসলো, উপর থেকে স্যারের খুবভাবে প্রেশারাইজ করা হইতে আসলো, স্যার এক্সাম সেলের হেড আসলেন, মানে যা মার্কস টাক্স দেখা হতো সব স্যার হেডে মানে লাস্টলি স্যার দেখতেন। তো আমরা শুনছি যে স্যারের উপর মহল থেকে খুবভাবে প্রেশার করা হইতে আসলো, প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলের মার্কস বোর্ডে বাড়াই দেওয়া নাকি, প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলে এবার মাধ্যমিক দিছে, তার মার্কস বাড়াই দেওয়ার লিগে স্যারের খুবভাবে প্রেশার করা হইতে আসলো। প্রিন্সিপাল স্যারের নামটা কি? সঞ্জয় কুমার যাদব। সঞ্জয় কুমার যাদব। আর প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলের নাম? ভিক্টর।
ভিক্টর ও কোন সময় স্টেন করছে না সে একজন এভারেজ স্টুডেন্ট আসল তার মোটামুটি ধরেন মানে এভারেজ স্টুডেন্ট যেরকম হয় সেই রকম মার্কস পাইতো অথচ ক্লাসে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আসতো যারা 98-99% পাইতো মাধ্যমিকে নাইনের ছেলের মার্কস আয়া পড়ছে 99.8% আর যারা এরকম 98-99% পাইতো তারার মার্কস আইছে 88-90% এটা কেমনে সম্ভব যদি তুমি দুই তিন বছরের মার্কস দেখা তুমি তো যে মার্কস পাঠায় থাকো তাহলে তো দুই তিন বছর তারা কন্টিনিউয়াসলি টপ করছে ক্লাসে তাইলে ফাইনালে প্রিন্সিপাল স্যারের ছেলে কেমনে টপ করতে পারে তুমি কি মনে করো যে এই প্রিন্সিপালের স্যারের ছেলের এই মার্কশিট নিয়ে এই তাইলে একটা ডিপ্রেশনে বা ডিপ্রেশন তো স্যার ডিপ্রেশনে যাওয়ার মতো মানুষই না একটা সুইসাইড নোট সার্কুলেট করা হয়েছে যেটা কি ইংলিশে লেখা আছে স্যার স্যার জন্মগত বিহারি আছেন স্যার বিহারি একজন কেউ যখন তার মাথায় যখন একটা এরকম মেন্টালিটি থাকে যে সুইসাইড করবো সে কি ইংলিশে নোট লাগবো না সে তার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজের নোট লাগবে সে বিহারি হোক বা সে যদি বাঙালি হোক সে বাংলায় লেখবো সে বিহারি সে বিহারিতে লেখবো সে ইংলিশে কেড়ে নোট নাও হাতে লেখা না টাইপ করা সে টাইপ করতে চাইবো নোট সুইসাইড করার আগে তোমার কিরম মনে হয় কে থাকতে পারে এটার পিছনে যদি সন্দেহ কে থাকতে পারে তখন এটা কই দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আমি চাই যে স্যারের ঠিকভাবে এই জিনিসটা পুরো ঘটনাটা ঠিক করে তদন্ত হোক স্যার যাতে আমরা স্যার যাতে জাস্টিস পাই के साथ 15 अगस्त को जो हुआ हम उसी का सच जानने के लिए आज इधर आए थे उनके साथ जो भी हुआ हम सच सच जानना चाहते हैं उनके साथ उनकी इस हालत में उनकी बॉडी मिली है उनके गले में वो पगड़ी पहन कर देख सकते हैं उनकी पगड़ी को खोल कर उसके अंदर 30-40 किलो का वजन डालकर उनके गले में टांग दिया गया है उनके पैर बांध कर उनके पैर जमीन पर लगे वो कैसे मर सकते हैं अपने आप को हैंग करके ऐसे तो नहीं मर सकता ना ऐसे इंसान मर ही नहीं सकता हम जानना चाहते हैं क्या हुआ उनके क्या लगता है आप क्या देखिए हमने देखा नहीं हम कह नहीं सकते क्या हालत है लेकिन सर प्रेशर में थे इतना हमने सुना अभी हम यही चाहते कि पुलिस उसको घूम के निकाले सही ढंग से निकाले किसी का हाथ ना इन्वेस्टिगेशन सही हो और सर के साथ जो भी हुआ हम सब सब जाना चाहते हैं यही चाहते आपको क्या लगता है उनके साथ मतलब वो सुसाइड किया गया है या उनको आप खुद ही बताइए ना एक जो एक होता है इंसान ने सुसाइड किया देखकर पता चलता है सर को देखकर जब मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में देख आपको सुनकर लग रहा है कि वो सुसाइड हो सकता है एक इंसान का पैर बांधा हुआ उनके पैर जमीन पे लगे हुए हैं उनके गले में 30 से उनकी पगड़ी को खोल कर उसके अंदर 30-40 किलो का वजन डालकर गले में टांग दिया है और बताइए मुझे लग रहा है कोई सुसाइड है लग रहा है सुसाइड है आपको आप क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि पुलिस इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे जो भी हमारे सर के साथ हुआ सब 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 बाहर निकाले क्योंकि वो सुसाइड करने वाले इंसान नहीं है बहुत अच्छे इंसान बहुत ऊपर से मतलब सर को ऐसा फोर्स आ रहा था कि मार्क्स बढ़ा दे बच्चों के मार्क्स बढ़ा दे ऐसे हम लोगों ने सुना है कि सर को फोर्स किया जा रहा था बार बार तो किसने फोर्स किया था तीन दिन से बहुत तो हमें पता नहीं है किसने फोर्स किया पर हमने सुना कि ऊपर से फोर्स आ रहा था सर पर बहुत ज्यादा मार्क्स को लेकर क्योंकि सर एग्जाम सेल के हेड थे तो जो 10th और 12th का इस बार जो मार्क्स गया जो इस बार क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ कोविड के कारण जो पहले जो रिजल्ट थे बच्चों के उसी के बेसिस पे मार्क्स दिया गया बच्चों को और ये जो रिजल्ट भेजा गया 10th और 12th का वो सर ने ही बनाया था और सर ने ही भेजा है हमें अभी तक तो इतना ही पता है और सुना जा रहा है कि बहुत सर को प्रेशर दिया गया था तो और जैसे कि इन लोगों ने बोला है कोई भी एंगल से वो सुसाइड तो दिख नहीं रहा है तो एक्चुअली हुआ क्या है हम वही जानना चाहते हैं प्रेशर क्यों किया गया प्रेशर किया गया था ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ाने के लिए बेटे के मार्क्स को बढ़ा देने के लिए किसकी बेटी प्रिंसिपल सर के बेटे के मार्क्स बढ़ा देने के लिए वो एक ऐसा स्टूडेंट है वो टॉप 10 में भी नहीं रहता था और अचानक से उसको बोल दिया 99% मिल गया ऐसा कैसे हो सकता है जबकि स्कूल में जो डिजर्विंग बच्चे हैं जिसको हमेशा 98-99% मिलते हैं उन लोगों को 90% आए या 85% आए ऐसा कैसे हो सकता है